मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आ चुके खतरनाक टू और रैंक पोस्ट फीडो के संग। उससे पहले गाइस टू के अंदर आपकी क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब कुछ दिनों के बाद आपको न्यू सीजन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लोग किस में रैंक पोस्ट करोगे एक बार जरूर से मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पे जो सीजन आने वाला है वो 8 से 9 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, पर अभी के लिए जस्ट मेरे आगे बंदे होते हैं। पे काफी ज्यादा गलत सिचुएशन होती है कि उसे जस्ट मेरे ऊपर दो बंदे होते हैं जो मैं यहाँ पे मेरे ऊपर ही रश करने लगते हैं। जैसे तैसे एक बंदे को नॉकआउट देता हूँ, फटाफट दूसरे बंदे को ऊपर रश कर देता हूँ। अब ये 1v2 अच्छा लगा तो एक बार जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे को बता सकते हो। बाकी इवेंट सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक सी ट्रिक होती है कि आप लोग जरूर से सेंटर में उतर जाओ, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, उसे वहाँ पे बंदे उतरने के काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैं तो टेक डाउन हो चुका था, जैसे तैसे टीममेट रिवाइव देने लगता है और इसका जो दूसरा बंदा था वो हमारे ऊपर अभी के लिए रश कर देता है। पे तो मैं बार बार बचा, बाकी फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। और न्यू सीजन आने में कुछ टाइम और है, वहाँ पे आप लोग किसके अंदर रैंक पुश करोगे, सोलो डुओ या फिर स्क्वाड के अंदर, वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पे एंड में जाके मेरे साथ ऐसा सीन होगा जो आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, तो जरूर से वो सीन देख के जाना। अभी के लिए हम लोग जैसे इस टीम से फाइट कर रहे थे तभी पीछे से भी अपन को साउंड आने लगता है फायरिंग का, तो हम सोचते क्यों ना बंदों को स्पॉट करने के बाद ट्राई करा जाए। तो यहाँ पे मैं स्केटबोर्ड बनाता हूँ और मेरे को लग रहा था अभी तक तो जो बंदों के वो निकल गए होंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता है। बंदा मेरे को थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्पॉट हो जाता है राइट हैंड साइड। जैसे इस बंदे को टेक डाउन करता हूँ मेरे को लगता है भाई इसका जो दूसरा बंदा होगा वो जरूर से इसके आसपास ही होगा, तो मैं आगे साइड जाने लगता हूँ तभी टीममेट के यहाँ पे कॉल आउट आने लगती है। देखो तो मैंने क्या ही नॉक कर दिया। अगर आपको ये 1v2 अच्छा लगा तो मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हाथों हाथ रिप्लाई दे देता हूँ। अब इवेंट पे सर्वाइव करने की जो सबसे बेसिक सी ट्रिक होती है, आसपास वाले आप लोग घर पे उतरो और थोड़ा दूर वहाँ पे होल्ड करो 4 से 5 मिनट। जब लगेगा बंदे कम हो तो आप लोग जरूर से यहाँ पे सेंटर में रश कर सकते हो, वो भी स्लाइड की मदद से इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं फटाफट ऊपर आता हूँ, मेरे को बंदे का साउंड नहीं आता है, तभी बंदे का साउंड नीचे से आने लगता है। अब ये बंदा तो मेरे ऊपर रश नहीं करेगा, तो मेरे को पता था मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा। मैं सबसे पहले जो घंटी होती है उसे यहाँ पे बजाने लगता हूँ और कुछ देर के बाद जो बंदा होता है वो ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर रश करने लगता है। बंदे का साउंड नीचे से आता है, एक दो मोलोटॉव फेंकता हूँ, पर उस बंदे का जो ध्यान होता है वो दूसरे बंदे के ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या टैक्टिक्स अप्लाई करता हूँ। ये वाली जो गन होती है इसे आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो। और इस तरीके से बहुत ही आराम से इस बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अभी जो ड्रॉप होता है इसमें काफ़ी अच्छी खासी लूट देखने को मिलती है, पर अभी के लिए टीममेट ने ऑलरेडी ड्रॉप लूट रखा होता है। अब यहाँ पे कुछ काम की सामान उठाता हूँ, मैप पे नोटिस करता हूँ तो कोई भी बंदा नहीं होता है। तभी यहाँ पे एक बंदे का मेरे को अचानक से साउंड आता है जो यहाँ पे आते ही सिरों पर रुक जाता है। अब मेरे को पता था वो बंदा ग्रेनेड करेगा, टीममेट से कहता है भाई फटाफट हट यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ। और बहुत ही आराम से इस बंदे को नॉकआउट दे देता हूँ। अब जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूँ तभी राइट से भी साउंड आने लगता है। अब यहाँ पे गाइस मैं ऑलरेडी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी जो करंट मेरी रैंक चल रही है वो एस चल रही है, और यहाँ पे मेरे को डोमिनेटर के लिए या फिर एस मास्टर के लिए कम ही पॉइंट चाहिए, तो मैं कुछ दिनों के अंदर लगा दूंगा। पर नया नया अपडेट खेला था तो मेरे को भी कुछ ढंग से खेलना जम नहीं रहा था, पर यहाँ पे बंदे का साउंड मेरे को आ जाता है तो यहाँ पे मेरा टीममेट एक मोलोटॉव फेंकता है। तो ये बंदा नीचे जंप करता है और बहुत ही आराम से इस बंदे को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपनी बेसिक से लूट कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ से निकलने लगते हैं। अब जो भी आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक गाइस बताता हूँ उसे मैं पहले खुद अपने गेम प्ले पे अप्लाई करता हूँ और वो चीज़ वर्क होती है फिर मैं आप लोग को भी बताने लगता हूँ। लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तभी यहाँ पे मेरे को बंदे स्पॉट होते हैं जो काफी ज्यादा ओपन में हो रहे थे। अब ये साथ में 3 बंदे होते हैं तो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो बंदे ये टीम अप करके खेल रहे हैं।
अब देखते देखते यहाँ पे एक टीम तो मैं फिनिश कर देता हूँ, तभी जैसे हम लोग आगे साइड जाने लगते हो तो यहाँ पे मेरे को M4 का साउंड आने लगता है। अब जैसे कुछ ज्यादा फायरिंग आने लगता है तो मेरे को लगने लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, पर जो बंदा था वो यहाँ पे ग्लिच करके बैठा था। अब ये बंदा आपको नहीं दिखाना, एक बार जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। वो जो बंदा है भाई वो वॉल के अंदर बैठा है, पता नहीं किस तरीके से भाई अपडेट आता नहीं है, ये बंदे ग्लिच देख लेते हैं। और भाई क्या ही मतलब कहूँ इनके लिए, बाकी आप लोग कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे खासे किल हो चुके थे, फिनिश हो गए थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर यहाँ पे कुछ देर बाद थर्ड सर्कल बनने वाला था और हम लोग सिर्फ कंपाउंड कंपाउंड लूट के जो अपनी बेसिक सी लूट है वही कंप्लीट करने वाले थे, क्योंकि अगर हम लोग कहीं अपार्टमेंट को दे स्कूल को दे तो ऐसी जगह पर ऑलरेडी अपन को बंदे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लूट कंप्लीट करने लगते हैं। अब यहाँ पे हो सके गाइस आपको वॉइस ओवर में जो मेरी आवाज़ है थोड़ी सी क्लियर नहीं देखने को मिले, इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके अपनी वीडियो के अंदर जो वॉइस ओवर है उसे भी क्लियर कम कर रहा हूँ। अब इस कंपाउंड को अपन लूट चुके थे, अपन लोग आगे साइड जाने लगते हैं, तभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत सीन होने लगता है। अब एक अपार्टमेंट से टीम आती है और वो डायरेक्ट हमारे ऊपर ही रश कर देती है, मेरे को तो नहीं पर मेरे टीममेट को भाई एक टाइम पे वो बंदे हैकर लगे थे, अभी तो नहीं पर थोड़ी देर बाद उस टीम का रश आता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया जिससे आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो जाए, मैं वीडियो को पहले बनाता हूँ उसके बाद बताता हूँ, वरना कई बंदे को लगता है भाई जो मेरे टीममेट वो असल में हैकर है। अब इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मेरे को पता था अगर इस बंदे ने हीलिंग कर ली तो अपन के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, पर एक बंदे को मैं मारता हूँ, दूसरे बंदे को मेरा टीममेट बहुत इजी फिनिश कर देता है और यहाँ से अपन की जो लूट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हम लोग हीलिंग कंप्लीट करने वाले थे, थोड़ी देर होल्ड करते कि उसे कुछ देर के बाद नेक्स्ट सर्कल बनने वाला था, तभी यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा जिसे आप लोग देख के जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे। अब अचानक से यहाँ पे एक रेनडियर का साउंड आता है और वो जो बंदा होता है वो डायरेक्ट मेरे एंगल पे उतरता है, जिसको मैं बहुत ही आराम से फिनिश कर देता हूँ। अगर ये 1v1 अच्छा लगा हो या फिर जो भी इसे आप लोग बोलो, इसके लिए एक बार जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे हम लोग लैम्बो उठाते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्यूल भी कम था और डैमेज भी होती है, तो उसकी जगह हम लोग न्यू व्हीकल उठाते हैं। और जैसे हम लोग जोन में जाने लगते हैं तभी आसपास से जो बंदे थे वो हमें काफ़ी अच्छा खासा डैमेज देने लगते हैं, तभी यहाँ पे जो मेरी नज़र होती है भाई वो ड्रॉप पे जाती है और ऑलरेडी मेरे वेस्ट हेलमेट डैमेज होते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ड्रॉप पे जाके जो न्यू वेस्ट हेलमेट होते हैं उन्हें यहाँ पे परचेस करा जाए, और टीममेट ऑलरेडी पीछे से ADS दे रहा होता है। पर यहाँ पे मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत सीन होता है, जैसे ही ड्रॉप पे जाता हूँ तभी यहाँ पे बंदा रश कर देता है मेरे ऊपर। अब जो गाइस मैंने शुरू में बात बोली थी कि लास्ट में जाके कुछ ऐसा सीन होगा जो आपके साथ ना कभी हुआ होगा, वो मेरे साथ सीन होता है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप लूट के आराम से घर पे जाता हूँ, तभी यहाँ पे मेरे को जरूरी काम से मेरे को जाना होता है, और काम इतना जरूरी होता है कि भाई जो गेम होता है उसको फटाफट नीचे से हटाता हूँ और जो रिकॉर्डिंग होता है उसे ऑफ कर देता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।